नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आधार शीडिंग आप अगर नहीं किए हैं, अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यूज़ करते हैं तो आपको आधार शीडिंग करना बताऊंगा। तो देखिए, अगर आपका आधार शीडिंग नहीं है तो आपका करवाना बहुत ही ज़रूरी है। बैंक शीडिंग स्टेटस आप चेक करेंगे, अगर आपका एक्टिव नहीं है, यानी कि आपको बोला है प्लीज़ चेक विथ योर बैंक टू गेट योर आधार नंबर लिंकड योर बैंक अकाउंट। अगर आपको आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक करने कह रहा है तो अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में यानी कि लिंक करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर आ जाना है। आने के बाद आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो ऐप है IDMobile बैंकिंग ऐप, इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। अगर अक्सर आप चलाते होंगे, अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यूज़ करते हैं तो इस ऐप आपके पास होगा ही। अगर आपके पास है तो इसको ओपन करके 4 अंक का पिन डालकर इसको लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो लॉगिन करने के बाद आप क्या करेंगे, इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। जब आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुलेगा तो आपको दिखाई देगा, यहाँ आपको यानी कि बहुत सारा ऑप्शन दिखाएगा। तो आपको माई यानी कि सर्विस में आपको एक सर्विस का बटन दिखाई देगा, उसी पे क्लिक करेंगे। उस पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया इंटरफेस खुलेगा। नया इंटरफेस खुलेगा तो पेन अपडेट के नीचे आपको आधार शीडिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसी पर आपको क्लिक करना है। आधार शीडिंग वाला में आधार शीडिंग में क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, आप यहां देखेंगे DBT मैपिंग है ना, तो पहला वाला ऑप्शन तभी चूज़ करेंगे। देखिए, एग्री टू रिसीव DBT इन IDMobile मोबाइल बैंकिंग अकाउंट एंड वेरीफाई एग्जिट इन विथ NPCI। अगर आप पहली बार यानी कि ये करेंगे तो सबसे पहला वाला चूज़ करेंगे, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो दूसरा वाला चेंज करेंगे। जैसे कि मैंने क्या कर रहा हूँ कि मेरा पहले से एक बैंक अकाउंट लिंक है तो मैं पहला वाला नहीं कर रहा हूँ। जिसका नहीं है यानी कि पहली बार लिंक कर रहा है तो वो जो है पहले वाला यानी कि चूज़ करेगा, और जिसका यानी कि पहले से कोई भी अकाउंट लिंक है तो आपको क्या करना है, अगर चेंज करवाना है तो दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है। दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करने के बाद अब आपको क्या करना है कि वेरीफाई पे क्लिक करके आप यानी कि चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट पहले से लिंक है, तो उसको चेंज भी करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ तो पहला वाला ऑप्शन मैं अभी टिक करके रखूँ ना तो नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पहले से एक बैंक अकाउंट लिंक है तो दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करके हमको चेंज करना है। तो वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद अब आपको करना क्या है, एक OTP आएगा। वेरीफाई पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास एक OTP आएगा। उस OTP को यानी कि फिल करने के बाद अब आपको करना क्या है, आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद होगा क्या, जैसे कि मेरे पास OTP आ चुका है, देखिए 878989, तो इसको यानी कि डाल देना। डालने के बाद जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके पास दिखाई देगा, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वेरीफाइड है ना, पहले से बैंक मेरा एक यानी कि स्टेट बैंक इंडिया जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले से एक लिंक है, तो देखिए आपको दिखा दिया। इस तरह का आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो है तो मैं चेंज करना चाहता हूँ, दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ किया हूँ, तो चूज़ करने के बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है, यानी कि चेंज करना हो मैं ना तो कन्फर्म पर क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि स्टेट बैंक पहले से मेरा लिंक था यानी कि शीडिंग था, आधार शीडिंग था, तो मैं चेंज कर रहा हूँ इंडिया पोस्ट पेमेंट। कंफर्म पे क्लिक किया। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा, उस OTP को फिल करना है। उस OTP को फिल करने के बाद देखिए मेरे पास OTP आ चुका है 386-9694। इसको डालने के बाद जैसे ही OTP डालेंगे, OTP को डालने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा ना, तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है यहाँ देखिए यहाँ क्या दिखा रहा है, OTP इनकरेक्ट, तो आपको OTP ठीक ठीक डालना है, ठीक है। अगर एक भी गलती हो जाएगा तो आपका OTP नहीं लेगा। जैसे कि यहाँ OTP ले रहा है, यहाँ देखिए आपको दिख रहा हो, अगर OTP आपको यहाँ से नहीं दिखाया तो मैं दिखा देख लिया यहाँ से, देखिए क्या क्या OTP है, तो उस OTP को यहाँ फिल करूँगा। जैसे मैं OTP फिल कर रहा हूँ, देखिए 38994 जो भी है 94 डाल दिए। डालने के बाद देखिए फाइनली जो है रिक्वेस्ट फॉर आधार शीडिंग सक्सेसफुल, यानी कि मेरा जो है आधार शीडिंग सक्सेसफुल हो चुका है। इस तरह का आप 2 से 3 दिन में देखेंगे, स्टेटस चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा आधार शीडिंग हुआ है या नहीं। तो आप अभी रिक्वेस्ट कर दिए हैं, आधार शीडिंग अप्लाई कर दिए हैं, आपको 24 घंटे के अंदर आपका जो है आधार शीडिंग हो जाएगा, 100% हो जाएगा। आपके यानी कि मोबाइल फ़ोन के अंदर एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट जो है आधार से सीडेट हो चुका है, लिंक हो चुका है, NPC हो चुका है। इस तरह का आप यानी कि आधार शीडिंग कर सकते हैं। तो यही था वीडियो। वीडियो कैसा लगा, अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं।